कॉफी विद करण दे रीसेंट एपिसोड दे विच जीनत अमान ने आके कुछ ऐसियां गल्लां कहियां जिस दे बारे शायद कोई सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, जीनत अमान जो कि बीते जमाने दी बेहतरीन एक्ट्रेस थे, उन्होंने हमेशा अपने समय तो अग्गे दी एक्ट्रेस कहा जांदा सी, क्योंकि जिस तरह के मॉडर्न अंदाज दे विच ओ हुंदे सी, उन्होंने लगता सी कि इस तो मॉडर्न कुड़ी कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन जीनत अमान ने खुलासा किया कि जिस टाइम वो पूरा खुल के काम कर रहे सन, उस वेले वो स्टूडियो तो घर ते घर तो स्टूडियो ही जाते सी, ते उन्हां दा कोई भी किसे होना कोई कनेक्शन नहीं सी, जबकि हर कोई समझदा सी कि जीनत अमान दी लाइफ तो एकदम हैपनिंग है। लेकिन वो कहंदे सी मेरी लाइफ इन्नी डिसिप्लिन्ड सी कि किसी ने सोची भी नहीं होनी, जबकि हर कोई सोचदा सी कि मैं तो बिल्कुल पार्टी वाली जिंदगी जीनी है। लेकिन उन्होंने कहा कि जिंदगी ने एक मोड़ लिया, उस तो बाद मैं पार्टीज करनी शुरू की। लेकिन इस कई गल् जो जीनत अमान बारे मैगजीन के छपदियां सी, उसके बारे जब करण जौहर ने पूछा कि तुहानू उसका असर पैंदा सी, तो उन्होंने कहा कि कई बार तो असर इन्ना पैंदा सी कि काफ़ी लंबे टाइम तक रहिंदा सी ते कई बार हिला के रख दिंदा सी। बिकॉज़ उन्हें दस दईए कि उस टाइम दे विच मैगजीन्स दे विच जो हेडलाइंस छपदियां सी वो सीधे तौर पर एक्टर्स बारे खुलासे कर दियां सी, यानी कि अजकल तो सोशल मीडिया का टाइम आ गया जिथे किसी ने पोस्ट करदा नाल दी नाल पता लग जांदा सी। लेकिन उन्हें मैगजीन का इंतजार हर कोई करता सी, ते जब मैगजीन दे विच कोई वड्डी हेडलाइन छपदी सी ना, उसका असर एक्टर्स दे उत्ते पैंदा सी। जीनत अमान दे नाल नीतू कपूर भी इस एपीसोड दे विच मौजूद सी, ते उन्होंने भी इस गल का कहने ना हामी भरी इस गल दे उत्ते कि हाँ, एक बहुत वड्डा असर जो है वो एक्टर्स नूं इन्हां हेडलाइंस दे नाल पैंदा हुंदा सी। लेकिन हुण जमाना बदल गया है, ते हुण बैक टू बैक जिहड़ा असर पैणा है वो तां सोशल मीडिया ते ही पैंदा है।